नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी का ब्लॉग जारी है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी सीरीज़ जारी है और उसमें मैं अलग अलग और नए नए और खूबसूरत से टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उसके साथ ही साथ यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और एक बार यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को आप देखें। और यहाँ पे मैं वीडियो बनाना इसलिए पसंद किया क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी नदी का प्रवाह हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, और इसका नाम क्या है, यहाँ पे कोई बोर्ड लगा नहीं है तो इसलिए इसका नाम मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मुझे इसकी खूबसूरती और इसकी जो स्वच्छता है देख करके इस नदी ने मुझे आकर्षित कर लिया दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। और आप लोगों के लिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और इसको मैं नीचे भी चल के दिखाऊँगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल पास से दिखाऊँगा इसके जल के क्वालिटी को। जी हाँ दोस्तों, इसके जल के क्वालिटी को दिखाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ये नदी सीधे हिमालय पर्वत से निकल कर के आ रही है। हिमालय पर्वत बिल्कुल सी सामने है और वो जो सामने पीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो दोस्तों जो है किसी खास धर्म समुदाय लामा जिसे बोलते हैं ऐसा कुछ सुनने में आया है। ये तिब्बत के वो भूटान के जो निवासी होते हैं वो उनका स्कूल है, उसमें उनको उनकी वहाँ की उनकी धार्मिक शिक्षा उसमें दी जाती है। तो वो सामने है और सामने से बिल्कुल सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है, वहाँ से ये नदी निकल करके आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नदी, और यह नदी वहाँ से निकलते हुए और हमारा मनोरंजन करते हुए हमें एक शांति प्रदान करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है दोस्तों। ये तो बाकी चारों तरफ की एक बार खूबसूरती को आप देखें, ये नदी इसकी आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। बहुत ही छोटी सी नदी है दोस्तों, लेकिन जैसे ही बाढ़ का सीज़न आएगा, बारिश का सीज़न आएगा, यह नदी छोटी नहीं रह जाएगी दोस्तों। यह अपना विकराल रूप धारण कर लेगी और यह खतरनाक नदियों में शुमार हो जाएगी। जैसे कि खतरनाक नदियां तिस्ता नदी हो गई, महानंदा नदी हो गई, दो प्रमुख खतरनाक नदियाँ हैं दोस्तों सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र की। तो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र का वीडियो जारी है दोस्तों, वहाँ की सीरीज जारी है और वहाँ मैं आ चुका हूँ और आपको मैं वहाँ के खूबसूरत पहाड़ों, खूबसूरत नदियों, खूबसूरत झरनों, खूबसूरत चाय के बागानों और साथ ही साथ अन्य खूबसूरत पर्यटक स्थलों का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनकी शूटिंग कर रहा हूँ दोस्तों और आपके सामने उनको रख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब इस नदी को दूसरे छोर से दिखाते हुए मैं इस नदी के बिल्कुल अंदर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा और वहाँ से इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक बार आप यहाँ से भी दूसरे छोर से इस नदी को देख सकते हैं, ये देखिए दूसरे छोर से यहाँ से इस नदी को आप देख सकते हैं, इसका बहाव देख सकते हैं आप, बहुत ही तेज़ बहाव है। और अभी मैं इस नदी के बिल्कुल बीच में जाऊंगा, वहाँ से भी इस नदी को दिखाऊंगा। बहुत अंदर चली गई है यहाँ से वह नदी और सामने का सीन देख सकते हैं, ग्रीनरी से बिल्कुल भरपूर है दोस्तों। और ये हाइट पर आप देख सकते हैं, ये जो टीला है ऊँचाई पर, हाइट पर जो प्लेन ज़मीन है उस पर चाय के बागान है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, यहाँ आपको हर जगह चाय के बागान बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए मिल जाएंगे। अभी मैं वहाँ से सामने से आते हुए एक बार इसके नीचे इस नदी के दाखिल होऊंगा और वहाँ से दिखाऊंगा इस नदी को दोस्तों, और वहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा। तो अभी चलिए नीचे चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं नीचे जा रहा हूँ, ये आप रास्ते देख सकते हैं, काफ़ी जटिल रास्ते हैं, बट दोस्तों एडवेंचर करने का शौक़ ही कुछ और होता है और आपके लिए एडवेंचर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के नेचुरल ब्यूटी की। देखिए मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ उस नदी में, ये देखें। अभी मैं थोड़ा सा अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये छोटे छोटे पत्थर हैं। अभी तो बाढ़ नहीं है दोस्तों, तो आराम से बीच में जा सकते हैं, अंदर घूम करके दिखा सकते हैं, बट जब बाढ़ आ जाएगी दोस्तों तो आपको जाना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। और देखिए मैं आ चुका हूँ बीच में इस नदी के, देख सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल पास में खड़ा हूँ दोस्तों, ये देखें। अभी मैं उस पुल पर से दिखा रहा था, अभी मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये पत्थरों की मदद से मैं अंदर आया हूँ और वो छोटा सा रास्ता था जिसके माध्यम से मैं नीचे उतर करके आया हूँ। अभी इसमें खूब बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ की नदियों में ख़ास बात है ये दोस्तों, आपको खूब बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे, ये देखें, जिनका आप अपने किसी भी घरेलू इस्तेमाल यूज में ला सकते हैं इन पत्थरों को। बाकी ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सदावाहिनी नदी का प्रवाह ज़बरदस्त है दोस्तों, ये देखें। इसका पानी बहुत ही क्लीन है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन वाटर है दोस्तों। आप इस पानी को पी भी सकते हैं, इसको आचमन में ला सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ के लोकल्स का एकमात्र पानी का जरिया यही जल हैं, यही नदियों के जल हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं।
वहाँ दूर तक का, अभी थोड़ा सा अंदर चलता हूँ वहाँ भी आपको दिखाऊँगा दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सीन है यहाँ पर। अभी इसके बीचों बीच मैं चल रहा हूँ नदी के, जी हाँ दोस्तों। लेकिन अगर इसमें अचानक पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी और इतना आसानी से इसका जलस्तर नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, बाढ़ का सीज़न आने वाला है, मुश्किल से 8-10 दिनों में ही बाढ़ का सीज़न आ जाएगा, फिर ये नदियाँ और भी विकराल रूप धारण कर लेंगी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा और अंदर आ चुका हूँ इस नदी में। ये आप देख सकते हैं कोने का बहाव बहुत ही तेज़ है, वहाँ कोने पर नदी की गहराई भी ज़्यादा है दोस्तों, और वहाँ पर बहाव भी बहुत तेज़ है। बिल्कुल मैं नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ दोस्तों, दूर तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस नदी को, बहुत दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और किनारों पर बहाव बहुत ही तीव्र गति से है और वहाँ पे गहराई भी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे जाने की गलती ना कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस नदी को भी दिखाया, बिल्कुल पास से दिखाया। तो मैं इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करना है मुझे, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है दार्जिलिंग सिलीगुड़ी सीरीज की, अभी तो समझ लीजिए 40 से 50 वीडियोस में आपको पूरा निकाल के दूंगा दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की नेचुरल ब्यूटी को। जी हाँ दोस्तों, अब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी और उसमें एक नया नाम और ऐड कर लीजिए दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी। जी हाँ दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी उसकी भी सीरीज़ जारी होने वाली, क्योंकि वो अभी इन्हीं से सटा हुआ ज़िला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप एक बार जल का बहाव देख सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं बैठ करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सीन, बहुत ही तगड़ा बहाव है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सीन। ये देखें, अब मैं बोलना बंद करूँगा, अब आप पानी का आवाज़ सुनिए, पानी के बहाव का आवाज़ सुनिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।